हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है वेल के तरफ से, यानी वेल रिक्वायरमेंट 2018 ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। वेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो इसमें टोटल पद जो खाली है वो 94 पद खाली है दोस्तों। तो ये 94 अप्रेंटिस पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जो कि बिल्कुल सीधी भर्ती है, यानी कि इसमें कोई भी लिखित एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये टोटल 94 पदों अप्रेंटिस पदों पर भर्ती है फ्रेंड। तो ये जो पद है ये ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं है और जहां तक मुझे जानकारी है कि इसमें कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। बात कर ले इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी है 22 दिसंबर 2018 है इसकी लास्ट डेट फॉर्म को भरने के लिए। तो 22 दिसंबर तक का वेट ना करें, इससे पहले पहले इस फॉर्म को भर ले फ्रेंड। तो इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो तमिलनाडु में होगी, तमिलनाडु चेन्नई में। और इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को आपको कैसे अप्लाई करना है। बात करें वैकेंसी डिटेल में, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें टोटल 46 पोस्ट खाली है, जिसमें कि मैकेनिकल के लिए 22 पोस्ट खाली है, प्रोडक्शन के लिए 3 पोस्ट खाली है, मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में 1 पोस्ट खाली है, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट खाली है, जबकि सिविल में 3 पोस्ट खाली है, जबकि कंप्यूटर साइंस आईटी की बात करें तो इसमें 10 पोस्ट खाली है। तो बहुत से यूजर पूछ रहे थे सर कि कंप्यूटर में कब वैकेंसी आएगी, तो कंप्यूटर साइंस और आईटी की आ गई है यहाँ पे, तो इसमें टोटल 10 पद खाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। तो इसमें टोटल 48 पोस्ट खाली है, और इसमें मैकेनिकल के लिए 31 पोस्ट खाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 पोस्ट खाली है, और सिविल के लिए 3 पोस्ट खाली है। तो ये सारे पोस्ट फ्रेंड ओबीसी एसटी एससी में बटे हुए हैं। और बात कर ले अब एज की, तो एज जो इसमें मांगा जा रहा है फ्रेंड वो 18 से 27 वर्ष है। अगर आप 18 से 27 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरे रूप से एलिजिबल है दोस्तों, जो कि 30 नवंबर 2018 को फुलफिल आपका एज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और बात कर ले ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 साल की है, तो 1 साल यहाँ ट्रेनिंग लिया जाएगा, और इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे स्टिपेंड के रूप में। टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए 4,000 रुपये रहेगा, जो कि पर मंथ आपको दिया जाएगा, और स्टिपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए 6,000 रुपये है, जो कि पर मंथ आपको दिया जाएगा 6,000 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो पब्लिश स्टार्ट डेट जो इसका होगा, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट निकाला जाएगा वो 1/1/2019 को निकाला जाएगा। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि जो वेरिफिकेशन वाला होगा वही ये लिस्ट निकाला जाएगा 1/1/2019 को, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो फाइनल लिस्ट का डेट अलग है। एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्टार्ट, जो एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा वो 5 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगा, और ये 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रक्रिया, और उसके बाद पब्लिश किया जाएगा आपका फाइनल लिस्ट। जी हाँ फ्रेंड, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो ठीक 2 दिन बाद 7 जनवरी 2019 को ये लिस्ट जो है वो आपको दिखा दिया जाएगा। अब बात कर ले ज्वाइनिंग डेट की, तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे बताया जा रहा है 10/1/2019। तो 10/1/2019 से आप इस जॉब के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई और रजिस्टर कैसे करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, मैं फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि वोट रजिस्टर आपको पहले करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोसेस है आपको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको वोट रजिस्टर पर जाना होगा और रजिस्टर करना होगा, और वहाँ जाने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि आपको URL में टाइप करके इस वेबसाइट पर चले जाना है, और वोट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर जाकर आपको वोट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे वोट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, और उसको नोट करके रख लेना है। और उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस क्या है फ्रेंड कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करना है आपको इस वाले वेबसाइट पर, भारत हैवी वाले पर। तो ये इसकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट किया था वो आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय फिल करना होगा। तो फॉर्म भरते समय फ्रेंड एक चीज ध्यान देखना है, देना है कि आपको ईमेल आईडी अपना जरूर एक्टिव रखना है, और मोबाइल नंबर भी आपको अपना एक्टिव रखना है, और फॉर्म भर लेने के बाद अपना प्रिंट आउट जरूर ले लेना फ्रेंड। और बात करें फी की, तो कोई भी फी की इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी फीस यहां पे नहीं लग रही है।
तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना तो ताकि जो लोग भी अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं वो जा सके फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा वीडियो के ठीक नीचे बिल्कुल इस तरह से, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि अप्रेंटिस की जितने भी सारे जॉब अभी आ रहे हैं तो वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।